So today we are going to discuss about Docker network. Guys, this is one of the most important topic of Docker. So please आप लोग इसे अच्छे से समझना. तो let's suppose कि ये हमारे पास एक AWS account है. चलिए मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ चीजों को. अब इस AWS के अंदर हमारे पास एक है VPC और इस VPC के अंदर हमारे मल्टीपल EC2 instances रन हो रहे हैं. लेट्स अज्यूम कि चार EC2 instances यहाँ पे रन हो रहे हैं. तो नेटवर्किंग में दोस्तों क्या होता है, लेट्स सपोज कि हमारा जो VPC है ना उसका जो साइडर ब्लॉक है वो है आपको 192.168.0.1/16 रख लेते हैं. लेट्स सपोज कि ये हमारा साइडर है. तो सिंस हमारे वीपीसी का साइडर ब्लॉक ये है तो डेफिनेटली हमारा जो चारों के चारों EC2 इंस्टेंस होगा उससे जो आईपी एड्रेस मिला होगा वो भी इसी वीपीसी साइडर के आईपी के अंदर बिलोंग करता होगा. तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा EC2 1 का जो है वो है 1.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 
हम लोग जब अपना कंटेनर रन करते हैं तो वो कहाँ एक्चुअली में रन होता है? वो एक्चुअली में रन होता है हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर। तो लेट्स एज्यूम कि ये हमारा कंटेनर है। चलिए कंटेनर को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, आप लोग को आसानी होगा। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा एक कंटेनर रन कर रहा है, ओके चलिए। तो अब ये जो कंटेनर है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा जो कंटेनर होता है ना, वो एक तरह का वर्चुअल मशीन होता है। और हम लोग जो भी न्यू कंटेनर क्रिएट करें या वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, उसके पास भी एक अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। तब आप एक बात बताओ, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस लाएगा कहाँ से? ये कंटेनर कहाँ बिलोंग कर रहा है? फिलहाल ये कंटेनर AWS के अंदर जो VPC है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। मीन्स ये कंटेनर एक VPC मतलब AWS का जो नेटवर्क है VPC, उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। उस हिसाब से तो डॉकर कंटेनर को मिलना चाहिए आईपी एड्रेस क्या? विद इन दिस साइडर रेंज 192.168.0.1/16, इसके अंदर ही आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। बट दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो हमारे EC2 इंस्टेंस को एक सिंगल आईपी एड्रेस मिला हुआ है। इधर इसके पास एक सिंगल सा आईपी एड्रेस है। अब आप ये बताओ कि इस EC2 के बाद तो खुद अपना एक ही आईपी एड्रेस है, तो वो उसके अंदर रन हो रहे बाकी कंटेनर्स को कैसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है? या फिर चलिए, हो सकता है कंटेनर को इस आईपी एड्रेस से मतलब ही ना हो। कंटेनर माइट बी ये वाले रेंज, ये जो रेंज है इसके अंदर कोई आईपी एड्रेस ले ले। बट दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है कि जो EC2 इंस्टेंस है ना, उसके ऊपर एक अलग से प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होता है। इस EC2 के अंदर एक अलग से प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होगा, जो कि स्पेशली फॉर कंटेनर होगा आपका। तो सिंस ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया कंपेयर टू VPC, तो इसका जो साइडर रेंज होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इसका जो डिफॉल्ट साइडर रेंज होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो होता है 172.17.0.0/16। ये जो है आपका डिफॉल्ट, इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है वो उसका डिफॉल्ट साइडर रेंज आपका ये हो गया। अब इसके अंदर जो ये पहला कंटेनर जो क्रिएट हुआ है, तो इस कंटेनर का आईपी एड्रेस क्या होगा? इट विल बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर साइडर रेंज। तो इसका हो सकता है आईपी एड्रेस हो 17.0.2, हो सकता है पहले वाले कंटेनर का ये हो। लेट्स सपोज हम लोग एक और कंटेनर चलिए रन कर दिए, लेट्स एज्यूम, तो सेकेंड वाला जो कंटेनर है वो ये हो गया, और जो थर्ड वाला कंटेनर है वो आपको ऐसा हो गया। चलिए तो ये हमारे तीनों के तीनों कंटेनर के आईपी एड्रेसेस ऐसे होंगे। अब लेट्स एज्यूम, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी अपने कंटेनर को डिप्लॉय करते हो तो उसके पोर्ट को मैप करते हो अपने होस्ट के साथ। आपको ध्यान में होगा जब जैसे ही आप लोगों को एक्सेस करना होता होगा आपके कंटेनर को, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने EC2 इंस्टेंस के आईपी एड्रेस को डालते हैं और फिर पोर्ट नंबर डालते हैं, जिससे कि आपका कंटेनर एक्टिव होता है। और अब पोर्ट मैपिंग हम लोग क्यों करते हैं, यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पोर्ट मैपिंग करते हैं। लेट सपोज पहला नंबर कंटेनर है, इस पे पोर्ट नंबर 80 पे आपको कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या देना होगा हमें? तो हमें अपने ब्राउजर पे क्या डालना होगा, हमें अपने ब्राउजर पे एक्चुअली में ये डालना होता है 0.2:80। एक्चुअल में हमें ये डालना है, बट ये हम लोग अपने ब्राउजर पर डालेंगे तो काम नहीं करेगा, बिकॉज ब्राउजर डायरेक्ट इस कंटेनर पे ट्रैफिक को सेंड नहीं कर सकता है। ब्राउजर चाहे तो EC2 इंस्टेंस के होस्ट पे सेंड कर सकता है, बट डायरेक्ट कंटेनर के
आईपी एड्रेस पे ट्रैफिक को सेंड नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज प्राइवेट नेटवर्क विच इज रनिंग ऑन ईसी टू इंस्टेंस। आपका जो पब्लिक इंटरनेट है वो डायरेक्टली ईसी टू से कनेक्टेड हो सकता है, बट ईसी टू के ऊपर चल रहा है, कंटेनर से कनेक्टेड नहीं होता है। इस रीजन से हम लोग करते हैं क्या, पोर्ट मैपिंग, जहां पे हम लोग ये बताते हैं कि जो ईसी टू इंस्टेंस का जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.5 उसके साथ कौन से पोर्ट नंबर को यूज करेंगे ताकि वो ईसी टू के ऊपर चल रहे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस 172.17.0.2:80 को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ईसी टू इंस्टेंस का पोर्ट नंबर 8080, ईसी टू इंस्टेंस का इस आईपी का पोर्ट नंबर 8080 एक्सेस करेगा इस वाले आईपी एड्रेस को पोर्ट नंबर 80 पे। तो ये बेसिकली क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। .0.5:8080=172.17.0.2:80। तो ये मैंने पोर्ट मैपिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है गाइज, हमें एक्सेस करना है राइट वाला, बट चाहे तो हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को भी वेब ब्राउजर पर डाल के एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने डाला है प्राइवेट आईपी एड्रेस, अगर आपके ईसी टू इंस्टेंस को पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ है तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे, उसके बाद आप पब्लिकली आपका एप्लीकेशन एक्सेस होगा। तो इस तरीके से आपका यूजुअली आपका जो कंटेनर है वो एक्सेस होता है, और एज यूजुअल एक डिफॉल्ट नेटवर्क ऐसा ही होता है कंटेनर्स का, जहाँ पे आपके सारे के सारे कंटेनर्स आपके ईसी टू के ऊपर एक सेपरेट नेटवर्क होगा वहां पर रन कर रहा होगा। अब आइए मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, पहले इस सबको मैं यहाँ से हटा दूं। अब नेटवर्किंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डॉकर ने क्या किया ना, डॉकर के बहुत सारे डॉकर ने अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप का सिनारियो जोड़ा है डॉकर के ऊपर, उस सिनारियो बेस्ड उसने क्या किया कि मल्टीपल टाइप्स के नेटवर्क फॉर्म किए हैं अलग अलग यूज केसेस के लिए अलग अलग टाइप के नेटवर्क। तो पहले हम लोग मल्टीपल नेटवर्क्स को देख लेते हैं कि आखिर मल्टीपल नेटवर्क हमारा क्या कहते हैं, क्या क्या नेटवर्किंग कंपोनेंट डॉकर ने दे रखा है हमें। तो सबसे पहले, सिंस पहले वाले ईसी टू पे डॉकर का एक अपना अलग नेटवर्क है, तो सेम चीज होगा हमारे सारे के सारे ईसी टू इंस्टेंस के साथ। तो चलिए हम लोग सेम काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो साइडर है सेम साइडर मैंने सब जगह दे रखा है, क्योंकि इस ईसी टू इंस्टेंस पे ये डॉकर का एक अपना अलग नेटवर्क है, बट सेकेंड वाले ईसी टू इंस्टेंस पे जो डॉकर है उसका एक अपना ही अलग नेटवर्क है। ये देखिए, ये ईसी टू इंस्टेंस, ये जो चारों के चारों ईसी टू इंस्टेंस हमारे वीपीसी में रन कर रहे हैं, ये बस एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है, वीपीसी का जो साइडर है उसी के अंदर हमारे चारों वीपीसी रन कर रहे हैं, बट ईसी टू के ऊपर जो डॉकर कंटेनर रन कर रहे हैं वो सारे के सारे कंटेनर्स का अपना अलग ही नेटवर्क है। पहले वाले ईसी टू पे एक नेटवर्क, सेकेंड वाले ईसी टू पे एक, थर्ड वाले पे एक और फोर्थ वाले पे एक। और आप लोगों को मैंने पहले भी ये कंसेप्ट बता रखा है कि एक एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं जब वो एप्लीकेशन को सेम नेटवर्क में रखा जाए। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ, मेरा एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसका चार कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट पहले वाले ईसी टू पे मैंने डाल दिया, पहला कंटेनर, सेकंड कंटेनर मैंने सेकंड वाले ईसी टू पे डाल दिया, थर्ड मैंने थर्ड वाले पे डाल दिया और फोर्थ मैंने फोर्थ वाले पे डाल दिया। अगर चार डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर मैंने चार अलग अलग ईसी टू इंस्टेंस पे होस्ट कर रखा है, तो अगर इस एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना होगा, जैसे कि हो सकता है पहले वाले कंटेनर को जरूरत हो सेकंड वाले से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का, सेकंड वाले को जरूरत हो थर्ड वाले से, थर्ड वाले को जरूरत हो फोर्थ वाले से, और फिर एट द एंड फोर्थ वाले को जरूरत हो फिफ्थ वाले से। अगर ऐसा भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो दोस्तों ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पहला कंटेनर का अपना अलग ही नेटवर्क है और सेकंड कंटेनर का अपना अलग ही नेटवर्क है, थर्ड का अपना अलग ही नेटवर्क है, फोर्थ का अपना अलग ही नेटवर्क है। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं इन डॉकर कंटेनर। तो इन सारे इस टाइप के मल्टीपल अलग अलग सिनारियोज को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मल्टीपल टाइप के नेटवर्क हैं हमारे पास। तो आइए देखते हैं हमारे मल्टीपल टाइप्स के नेटवर्क क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन करके दिखा देता हूँ डॉकर नेटवर्क। आप लोग चाहो तो डॉकर नेटवर्क के इस डॉक्यूमेंटेशन से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। चलिए फिलहाल मैं ये चार अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, इन चारों का मैं दिखाता हूँ आपको। पहला क्या है, स्टैंड अलोन नेटवर्किंग, जैसे कि एक ब्रिज नेटवर्क, ओवरले नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क, आईपी वीलैन, मैक वीलैन। ये इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिज नेटवर्क और ओवरले नेटवर्क। मैं बाकी चीज़ों जब जरूरत पड़ेगा तब मैं यूज करूंगा, ऐसे मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज एट मोस्ट ऑफ द केसेस बस यही दो नेटवर्क यूज होता है। सबसे ज़्यादा ओवरले होता है बिकॉज ये ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बेस्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो पहले हम लोग ब्रिज नेटवर्क को देखते हैं। तो हमारे पास टोटल, मैं फिलहाल आप लोग को दो नेटवर्क कवर करूंगा,
ब्रिज नेटवर्क, और सेकंड मैं कवर करूंगा ओवरले नेटवर्क। ओके, हम लोग चाहो तो लास्ट में हम लोग होस्ट भी देख सकते हैं, होस्ट नेटवर्क। तो फिलहाल मेन ये तीन नेटवर्क है, तो हम लोग पहले इसे देखते हैं। पहले आते हैं ब्रिज नेटवर्क पे। दोस्तों ब्रिज नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, ब्रिज नेटवर्क क्या होता है ना, ये पहला तो ये डिफॉल्ट नेटवर्क होता है, ये आपको हो गया डिफॉल्ट नेटवर्क। डिफॉल्ट नेटवर्क का मतलब अगर आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो ना और उसे आप डिप्लॉय कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट ही ब्रिज नेटवर्क के अंदर चला जाता है। ब्रिज नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, ये आपका जो होस्ट है उसका एक अलग ही, आपका होस्ट एक अलग ही नेटवर्क को बिलोंग करता है, बट आपके होस्ट के ऊपर जो सारे के सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं वो एक अलग ही नेटवर्क के ऊपर बिलोंग करते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का नेटवर्क मैंने बनाया है ना, इसे हम लोग कह सकते हैं इट्स अ ब्रिज नेटवर्क। ये बाय डिफॉल्ट दोस्तों बना हुआ होता है। चलिए ये हमारा हो गया ब्रिज नेटवर्क। अब ब्रिज नेटवर्क दो टाइप के होते हैं। ब्रिज नेटवर्क पहला टाइप क्या होता है आपको, डिफॉल्ट नेटवर्क। सेकंड होता है आपको क्या कहते हैं, कस्टम नेटवर्क। तो जब तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, अगर आपने कभी प्रोडक्शन में काम किया होगा तो ये बात आप लोगों को जरूर पता होगा कि कोई भी लोग, कोई भी क्लाइंट हो, वो डिफॉल्ट चीजों को यूज नहीं करना चाहते, वो अपना कस्टम चीजों को ही क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपके डॉकर कंटेनर पे भी उन्हें अगर ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करना है ना, तो वो लोग डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क यूज ना करके वो लोग कस्टम ब्रिज नेटवर्क को वो लोग यूज करते हैं। अब चलिए मैं डिफॉल्ट नेटवर्क और कस्टम नेटवर्क में एक डिफरेंस है, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्यों कस्टम नेटवर्क बेस्ट होता है व्हेन इट कंपेयर्स टू द डिफॉल्ट नेटवर्क। तो चलो हम लोग ब्रिज नेटवर्क अच्छे से समझने के लिए दो कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, दो कंटेनर क्रिएट करने वाले हैं, कंटेनर नंबर वन और कंटेनर नंबर टू। और यहाँ से हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कि ब्रिज नेटवर्क में जो दो टाइप्स हैं, डिफॉल्ट और कस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस है और लोग क्यों कस्टम को यूज करते हैं रैदर देन यूजिंग द डिफॉल्ट नेटवर्क। तो चलिए आइए पहले हम लोग दो अलग अलग कोई भी कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। कंटेनर क्या हो गया आपको, DIT-NAME। चलिए उबंटू ले लेते हैं, उबंटू का एक इमेज हम लोग, सॉरी एक उबंटू का इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। चलिए ये क्रिएट हो गया। इसके अलावा अब सेकेंड हम लोग रन करते हैं क्या, लेट्स टेक CentOS। चलिए तो हमारा क्या है, दोनों के दोनों कंटेनर रन करने लगा, CentOS और Ubuntu दोनों आप देख सकते हो। तो नाउ लेट्स इंस्पेक्ट द बोथ द कंटेनर्स। इंस्पेक्ट करने के लिए क्या होता है, डॉकर इंस्पेक्ट करोगे और आपको बस कंटेनर का आप चलो नाम दे सकते हैं, मैं CentOS दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इस कंटेनर में क्लियर लिखा हुआ है नेटवर्क क्या है, ब्रिज नेटवर्क यूज हो रहा है और इसे क्या आईपी एड्रेस मिला है, 172.17.0.3। और ये जो नेटवर्क है, डॉकर का जो नेटवर्क है उसका गेटवे क्या है, 172.17.0.1। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस, चलिए इसका आईपी एड्रेस हम लोग पहले यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा CentOS है ना, CentOS का क्या है, 172.17.0.3। चलिए डॉकर ps, अब हम लोग करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट Ubuntu कहाँ रन कर रहा है आपको, सेम ब्रिज नेटवर्क पे, बट इसका आईपी एड्रेस क्या है, 0.2। तो इसका हम लोग यहाँ पे इसे लिख देते हैं, ये हो गया Ubuntu 172.17.0.2। अब चलिए ये दोनों के दोनों कंटेनर्स क्या है, एक सेम ब्रिज नेटवर्क पे जो कि डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है उस पर रन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग एक दूसरे, जब सिंस दोनों के दोनों जो Ubuntu मशीन है और Ubuntu और CentOS है वो सिंस एक ही नेटवर्क के अंदर है, तो वी विल बी एबल टू पिंग इच अदर। तो चलिए पहले हम लोग पिंग देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सीधा इसके अंदर जाना है, /bin/bash। यहाँ से हम लोग को पिंग करना है किसे, अभी हम लोग CentOS के अंदर हैं तो CentOS के अंदर से हमें Ubuntu को पिंग करना है। Ubuntu का आईपी एड्रेस क्या है, 172.17.0.2। पिंग, सॉरी, 172.17.0.2।
आप लोग देख सकते हो वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर कंटेनर, ये उबंटू कंटेनर से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है सेंटोस पे, मीन्स वी आर एबल टू कम्युनिकेट, मीन्स दोनों के दोनों जो कंटेनर है वो सेम आपको क्या कहते हैं सेम नेटवर्क के अंदर सही से रन कर रहे हैं। चलिए अब उस कंटेनर से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, कंटेनर से बाहर निकल गए। अब चलिए फिर से मैं सेंटोस के अंदर जाता हूँ, एक और चीज दिखाना था जो मैं दिखाना भूल गया आप लोगों को। यहां से मैंने पिंग करा था आईपी एड्रेस को तो वो पिंग हो रहा था। चलिए अब पिंग करते हैं कंटेनर के नाम को, उबंटू नेम और सर्विस नॉट नोन। आप लोग देख सकते हो गाइस वी आर नॉट एबल टू पिंग वाया कंटेनर नेम, हम लोग कंटेनर नेम से पिंग नहीं कर पा रहे, हम लोग पिंग कर पा रहे हैं बस क्या 172.17.0.2, यह बस हम लोग कर पा रहे हैं। बस ये सबसे बड़ा डिमेरिट है आपको डिफॉल्ट नेटवर्क का। डिफॉल्ट नेटवर्क में क्या है ना गाइज, आप बस कंटेनर को थ्रू आईपी एड्रेस ही पिंग कर सकते हो ना कि थ्रू नेम। बट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ना जो कि नेम्स जहां पे मल्टीपल कंटेनर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं बाय यूजिंग कंटेनर नेम बट नॉट विद द लोकल आईपी एड्रेसेस, तो इस रीजन से लोग क्या करते हैं मैक्सिमम कस्टम नेटवर्क पे भागते हैं। अब चलिए क्योंकि कस्टम नेटवर्क पे आप ये काम कर सकते हो, तो ये क्या था हमारा ब्रिज नेटवर्क था। चलिए उससे पहले मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, अगर आपको ब्रिज नेटवर्क को मतलब नेटवर्क क्या क्या नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है डॉकर का, तो ये यहाँ से शो करेगा आपको डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एलएस आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तीन बाय डिफॉल्ट नेटवर्क दिया हुआ है, पहला क्या है ब्रिज, सेकेंड है होस्ट और थर्ड होता है नल। तो नल को आप साइड रखो, नल इस आपका स्टैंड अलोन कंटेनर रन के लिए रन होता है, होस्ट भी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा बट अभी हम लोग ब्रिज देख रहे हैं। तो ये जो पहला नेटवर्क है ना ये डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है, ये बाय डिफॉल्ट डॉकर जैसे ही आप डॉकर इंस्टॉल करोगे आपके लैपटॉप पे ये आपके होस्ट पे ये शो करेगा, ये डिफॉल्ट है। बट हमें क्या यूज करना है कस्टम, तो कस्टम नेटवर्क पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट। अगर आप कोई भी जैसे मैं एक्चुअली नेट डालता हूँ, अगर मैंने ये क्रिएट किया ना तो बाय डिफॉल्ट ये ब्रिज नेटवर्क क्रिएट होगा। आपको चलिए फिर से दिखा देता हूँ एलएस करके, आप लोग देख सकते हो, सॉरी आप लोग देख सकते हो जो मैंने अभी नेट करके क्रिएट किया ये क्या है बाय डिफॉल्ट ब्रिज है। अगर आपको ब्रिज क्रिएट ना करके कोई और क्रिएट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ से आपको एक फ्लैग डालना है ड्राइवर करके। अगर आप होस्ट दे देते हो तो होस्ट नेटवर्क ये जो नेट नाम का ये होस्ट नेटवर्क क्रिएट होगा, आप जो भी नाम दोगे, अगर ब्रिज आप चाहो तो यहाँ ब्रिज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, बस इसका जरूरत नहीं है बिकॉज बाई डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क ही क्रिएट होता है। बट ऐसा नहीं है, चलिए मैं वो सभी दिखाऊंगा नहीं आपको, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना वो चीज़। तो हमारा नेटवर्क जो है वो नेट नाम का ब्रिज नेटवर्क, ये कस्टम नेटवर्क है जो कि क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग उसी उबंटू और सेंटोस मशीन को रन करते हैं इस नेटवर्क के अंदर, वो कैसे करेंगे तो हम लोग रन करेंगे -dit --, आपको डालना है नेटवर्क और आपके नेट का नाम, मीन्स इस नेटवर्क के अंदर अब आपका जो कंटेनर है वो रन करने वाला है। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, नेम, और चलिए मैं दे देता हूँ CentOS-net और इसका इमेज होगा CentOS, और सेम मैं करूँगा उबंटू के लिए, उबंटू भी मैं सेम नेटवर्क पर रन करूँगा नेट और उबंटू। चलिए अब हम लोग डॉकर पीएस करते हैं, क्लियर करते हैं डॉकर पीएस, डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग पहले Ubuntu-net को। तो आप लोग देख सकते हो ये हम लोग डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट किए हैं, जो डिफॉल्ट नेटवर्क क्या था वो था 172.17.0.0 था, आपको याद होगा दोस्तों वो क्या था 17.0.0, ये क्या है 18.0.0। तो हमने अभी जो न्यू दो अलग अलग नेटवर्क क्रिएट किया वो क्या हुआ है, वो एक्चुअली इसी EC2 इंस्टेंस पे, चले मैं इसे घेर देता हूँ, लेट्स रुकिए मैं पहले ये दोनों के दोनों इसे डिलीट करता हूँ, और अब इसी ब्रिज नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसी EC2 पे दो अलग अलग नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, पहला नेटवर्क क्या था, पहला नेटवर्क था आपको डिफॉल्ट नेटवर्क डिफॉल्ट, और सेकेंड नेटवर्क जो अभी क्रिएट किया है हमने वो है कस्टम, उसका नाम क्या है नेट। तो जो मैंने दोनों कंटेनर अभी क्रिएट किया ना गाइस, वो दोनों के दोनों कंटेनर आपको इस वाले नेटवर्क के अंदर है, इस दोनों कंटेनर को लेफ्ट साइड वाले नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। और आईपी एड्रेस मैंने अभी आपको दिखाया ये क्या है 172.18.0.2 है आई गेस ये, और सेम गोज फॉर द सेकेंड ऑल्सो 172.18.0.3। ये दो अलग अलग आपको क्या कहते हैं कंटेनर्स अभी नेट कस्टम नेटवर्क के अंदर रन कर रहे हैं। तो अब हम लोग फिलहाल पिंग करके देखते हैं सारे के सारे नेटवर्क को इच अदर से। तो लेट्स गो टू द Ubuntu-net,
एग्जेक हाइफन आई टी, और उबंटू हाइफन नेट का क्या है ये है आपको, एक सेकेंड इंस्पेक्ट 12, ओके ये 18.0.3 है, तो ये आपको हो गया क्या उबंटू, उबंटू तो ये होगा हमारा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कंटेनर्स पे लॉग, पहले कंटेनर्स पे लॉग इन करते हैं, डॉकर एग्जेक हाइफन आई टी 12/bin/, तो हम लोग अभी उबंटू पे लॉग इन कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग सेंटोएस को पिंग करेंगे। तो हमारे सेंटोएस का आईपी एड्रेस क्या है, .ping 172.18.0.2, इट्स नॉट फाइंडिंग, ओके काम करते हैं सेंट ओएस पे चलते हैं, वहां से उबंटू को पिंग करते हैं, हो सकता है सेंट ओएस पे पिंग कमांड इंस्टॉल्ड हो, तो इसको ऐसे ही रखते हैं यहाँ से 50, ओके यहाँ से हम लोग पिंग करते हैं 172.18.0.3 पे, एक्चुअली उबंटू रन कर रहा है हमारा। तो देख सकते हैं आप लोग रिस्पांस मिल रहा है हमें उबंटू सर्वर से, मींस दोनों का दोनों सेम नेटवर्क में है तो रिस्पांस मिल रहा है, बट सेम ही यूज तो हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क में था, सेम ही काम वहाँ होता था, डिफॉल्ट में क्या नहीं होता था वो अभी देखते हैं हम लोग। उबंटू को नाम से हम लोग पिंग करते हैं, आप लोग देख सकते हो जब नाम से पिंग किया फिर भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये चीज़ उबंटू में, सॉरी ये चीज़ आपके डिफॉल्ट नेटवर्क में नहीं हो रहा था। यही रीजन है कि हम लोग ऑलवेज कस्टम नेटवर्क प्रेफर करते हैं ब्रिज नेटवर्क के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे कंटेनर्स आपस में फिर इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था ब्रिज नेटवर्किंग, आई होप कि आप लोगों को ब्रिज नेटवर्किंग अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आते हैं सेकेंड, आप देख रहे होंगे क्या, ओवरले नेटवर्किंग। गाइस ओवरले नेटवर्क क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ओवरले नेटवर्क होता है ना वो स्पेशली यूज होता है ऑर्केस्ट्रेशन के टाइम, जैसे कि डॉकर स्वॉर्म, जहां पे आपको मल्टीपल कंटेनर्स मल्टीपल होस्ट पे रन कर रहे होंगे, जहां पे आपको मल्टीपल कंटेनर्स मल्टीपल होस्ट पे रन कर रहे होंगे। लेट सपोज यहां पे चार होस्ट है डॉकर का, EC2 1 2 3 एंड 4, ये चार, और आपका जो एप्लीकेशन है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, चार अलग अलग कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट पहले में रन कर रहा है, सेकंड यहां रन कर रहा है, थर्ड आपको यहां रन कर रहा है, और फोर्थ आपको क्या है यहां रन कर रहा है, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे ये हम लोग, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये आपस में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो चारों का नेटवर्क अलग है भाई, ये तो क्या और कॉम्प्लेक्स इसका नेटवर्किंग होना चाहिए। तो ऐसा जो सिनारियो होता है ना जहाँ पे मल्टीपल होस्ट के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर एक सिंगल एप्लीकेशन रन कर रहा है, क्या बोला मैंने, मल्टीपल होस्ट मल्टीपल नेटवर्क बट एप्लीकेशन क्या है सेम, तो कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, यहाँ तो आपको अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क आपको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। तो उसके लिए डॉकर ने क्या सोल्यूशन दिया, उसके लिए उसने बोला कि डोंट यूज ब्रिज नेटवर्क फॉर दैट, बिकॉज ब्रिज नेटवर्क इज सुटेबल ओनली व्हेन यू आर रनिंग योर एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल EC2 इंस्टेंस और सिंगल डॉकर होस्ट, ना कि मल्टीपल डॉकर होस्ट। तो मल्टीपल डॉकर होस्ट के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, वो होगा आपका ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क क्या करता है कि वो एक तरह से चारों के चारों जो EC2 पे जो नेटवर्क क्रिएटेड है ना आपका, उससे वो चारों के चारों EC2 नेटवर्क को वो एक कॉमन नेटवर्क क्रिएट करता है, वो चारों को मिला करके। वो कैसे होगा, ये एक तरह से आपको चलिए ये लेता हूँ, वो एक तरह से यहाँ पे एक नेटवर्किंग क्रिएट करेगा, ये एक सिंगल नेटवर्क होगा जो कि चारों होस्ट को मिला के क्रिएट होगा, और इसे नाम देगा क्या, ओवरले नेटवर्क, ओवरले नेटवर्क। अब यहां पे भी सेम काम होगा, मल्टीपल इसी मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे हैं, और इस कंटेनर्स के लिए चारों के चारों कंटेनर्स के लिए ये सिंगल ही नेटवर्क है, यहाँ कंटेनर को पता ही नहीं चलेगा कि वो मल्टीपल डॉकर होस्ट पे रन कर रहे हैं, कितने सारे डॉकर होस्ट पे रन कर रहे हैं, बिकॉज कंटेनर्स के लिए तो नेटवर्क एक है, कंटेनर्स को अंदर से फीलिंग आ रहा है कि भाई वो एक ही होस्ट पे रन कर रहा है, बट असल में मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस को मिला के एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट किया गया है जिसको कि ओवरले नेटवर्क कहते हैं, और ये प्रोडक्शन यूज केस में ओवरले ही काम आता है, बिकॉज प्रोडक्शन के टाइम मल्टीपल EC2 इन्वॉल्व होते हैं और मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स आपके EC2 पे रन कर रहे होते हैं, तो ये रीजन है। अब चलिए आइए, आई होप कि आप लोगों को ये नेटवर्किंग भी समझ में आ गया होगा। हाँ एक और था होस्ट, होस्ट क्या होता है ना दोस्तों, अगर
अगर यहाँ पे होस्ट नेटवर्किंग होता है ना, तो जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर डायरेक्ट आपके वीपीसी के साइडर से कनेक्ट हो जाता है। कंटेनर का अपना अलग नेटवर्क होता ही नहीं, जैसे अभी ओवरले नेटवर्क अलग नेटवर्क था, इसके पहले मैंने ब्रिज नेटवर्क दिया वो भी अलग नेटवर्क था कंटेनर का। बट जहां मैं होस्ट दे दूंगा, मीन्स कंटेनर विल टेक बाय डिफॉल्ट दिस आईपी एड्रेस। फिर उसे मतलब नहीं कि उसके अंदर कौन सा नेटवर्क है, 172.17, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। वो वीपीसी, वो जो आपका जो डॉकर होस्ट जो कि यहाँ पे EC2 इंस्टेंस है, वो जिस भी नेटवर्क में रन कर रहा होगा उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। बट गाइस, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज अ गुड प्रैक्टिस, और ये सब स्पेशल यूजेस के लिए ही, स्पेशल यूज केसेस के लिए इसे यूज किया जाता है। बिकॉज जो कंटेनर है ना, लोग हमेशा यही चाहते हैं कि वो एज ए सेपरेट मशीन वो रन करे, ना कि आपके वीपीसी वगैरह के साइडर से वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे और समथिंग। तो इसीलिए होस्ट नेटवर्किंग को बहुत कम यूज किया जाता है, बट सम स्पेशल केसेस इसे भी यूज किया जाता है। हम लोग मोस्टली फिलहाल देखने वाले हैं ब्रिज नेटवर्क को, और उसके बाद जब हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन पे आएंगे तब देखेंगे ओवरले नेटवर्क को। सो गाइज, आई होप कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।